और शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों के साथ में ही ऐसा बन सकती है। अगर ये नहीं होता है तो राज्यपाल का जो शासन है वो शासन अगर आएगा उसके बाद ये भी सरकार बन सकती है। उद्धव जी का तो अभी ऐसा है कि जब तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी का आपस में मिलजुल नहीं होता है तब तक शिवसेना का जो है, शिवसेना कोई भी निश्चित धोरण नहीं डिसीजन ले पाती है। जब तक उनका डिसीजन होने के बाद में ही शिवसेना का डिसीजन हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो परिस्थिति चल रही है, शिवसेना को साथ में लिए बगैर ये महाराष्ट्र में अभी कोई भी सरकार गठित नहीं हो सकती है। आपने कहा कम समय दिया, आपने कहा राज्यपाल ने कम समय दिया, आपने कहा राज्यपाल ने कम समय दिया, क्या कहना है? राज्यपाल महोदय ने इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को 2 दिन का समय दे दिया, लेकिन शिवसेना को 1 ही दिन का समय दिया है। ये राज्यपाल महोदय का जो है ये डिसीजन जो है गलत है और ये महाराष्ट्र के जनता के ऊपर अन्याय करने वाला डिसीजन है। राज्यपाल महोदयांची भूमिका ही नक्की संशयास्पद आहे। त्यांनी भाजपला झोकतं माप दिलं आणि शिवसेनेला मात्र त्यांनी फक्त 24 तास इसका डिसीजन कोर्ट में जाने का फैसला जो है वो शिवसेना के हमारे उद्धव जी ठाकरे और सभी नेतागण मिलके ले लेंगे। राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है राज्य में, क्या कहना है आपका? मुझे लगता नहीं अभी फिलहाल राष्ट्रपति शासन का कोई रूल आ सकता है, क्योंकि अभी भी शिवसेना, एनसीपी और